बमोरी तहसील के मगरोड़ा ग्राम के बुजुर्ग हातिम सिंह सिख अपने परिवार के साथ जन सुनवाई में पहुंचे। उनका कहना है कि गांव के सिख समाज के लोगों के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, फसलें बोई जा रही हैं। बुजुर्ग ने बताया कि उनके पक्ष में न्यायालय के द्वारा आदेश के बाद भी प्रशासन अभी तक उन्हें कब्जा नहीं दिलवा पाए हैं। वो लगातार अपनी जमीन पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि उनके पास जीवन यापन का जरिया एक ही है और उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। आपका नाम? कुलवीरा। जोर से बोलिए। कुलवीरा। कहाँ से आए आप लोग? फतेहगढ़ बमोरी। बताए क्या है ये मामला, पूरा मामला समझाइए। सर, ये मामला हमारी जमीन है, 15 बीघा जमीन है, जिसमें मतलब हमें 8 साल हो गए इसे हमें, मतलब हमारे पास SDM साहब का भी ऑर्डर है, तहसीलदार का भी ऑर्डर है, कलेक्टर साहब का भी ऑर्डर है, और कोर्ट से भी हमें मतलब उन्होंने अपील की थी, वो भी हमारे पास ऑर्डर है। उन्हें बेदखली का ऑर्डर हुआ है और उन्हें मतलब एक सजा भी हुई थी, लेकिन हमारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें कब्जा नहीं दिलवाया जा रहा, हमारी जमीन की नकदी नहीं हो रही, और हमें आश्वासन दिया जा रहा है तुम्हारा कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा। हमें 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ, और हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। पापा हैं, और मतलब पापा के 2 ही लड़कियां, हम दोनों लड़कियां हैं, इसमें मेरी शादी अभी हुई है, तो हमारे कमाने वाला कोई नहीं है। पापा बीमार भी रहते हैं और परेशान भी रहते हैं, दादाजी उनसे चला नहीं जाता, मुझे मैं इतनी दूर से रोज रोज आ नहीं पाती, लेकिन मुझे इतना है कि जो भी है हमारा निर्णय हो, हमें हमारा कब्जा मिले। हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका, हमारे खाने के लिए दाने भी नहीं है घर पे, बहुत मुश्किल से हम हमारा टाइम पास करते हैं। अगर आपका निराकरण नहीं निकलता तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? सर, अगला कदम कुछ नहीं यार, आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो हम किसके पास भीख मांगने। अभी आप मिले अंदर जाके तो क्या आश्वासन दिया गया उन्होंने? आश्वासन दिया है कि 7 तारीख का बोला है कि 7 तारीख को निर्णय हो जाएगा, हम 7 तारीख को करेंगे कुछ। तो जहाँ हमने 8 साल वेट किया, वहाँ 7 तारीख का और वेट करते हैं। अगर 7 तारीख को कुछ नहीं होगा तो 7 तारीख के बाद हमारे पास कोई चारा नहीं है मरने के अलावा।